करके पूरा मेथड हम बता दिए हैं। आज हमारा प्रश्नावली से बात हो रहा है, प्रश्नावली हमारा शुरुआत हो रहा है 14.1 है ना। तो समांतर माध्य निकालने के लिए तुम्हारे पास एक फार्मूला लिखवाया था, ये कि सिग्मा क्या लिखे हो, आई इक्वल टू 1 to n और एक्स आई एफ आई लिखे हो बटा में क्या लिखे हो सिग्मा एफ आई लिखे थे, याद है ना। दूसरा तुम्हारा समांतर माध्य निकालने के लिए बताया था कि a प्लस हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा और सिग्मा एफ आई हो जाएगा, ऐसे लिखा है। दूसरा तीसरा समांतर माध्य a प्लस लिखे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई आई इनटू का क्या लिख दिए हैं, ऐसे लिखे हैं यू आई और यहाँ पर डी आई और ना तीनों। तो अब धीरे धीरे बारी बारी से हम लगाएंगे इसको, कैसे लगेगा। पहला सवाल दे दिया, ध्यान देने लगे, प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ से देखो यहाँ हो जाएगा पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या बोल रहा है लड़के 0 से 2 दिया है, 2 से 4 दिया है, 4 से 6 दिया है, 6 से 8 दिया है और 8 से 10 दिया है, 10 से 12 दिया है, 12 से 14 दिया है। घरों की संख्या दी, वर्ग अंतराल दिया है ना लड़के, तो वर्ग अंतराल दिया थे, मध्यमान को छोड़ दिया हूँ, यहाँ तो घरों की संख्या, तो घरों की संख्या लड़के यहाँ 1, 2, 5, 6, 2, 7 ठीक है। तो यहाँ देखो लड़के, यहाँ मध्यमान निकाल लो इसका, क्योंकि वर्ग अंतराल दिया रहता है तो क्या निकाल लेते हैं, मध्यमान निकालते हैं, इतना तो याद रहिए सबको। तो मध्यमान निकालने जाओगे तो 0 + 2/2 कितना हो जाएगा, 2 = कितना हो गया 1, 2 + 4/2 ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 4 + 6/2 5 हो जाएगा, 6 + 8/2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 8 + 2/2 कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 + 12/2 कितना हो जाएगा 11, फिर ये हो जाएगा 12 + 14/2 इक्वल टू हो जाएगा 13। तो यहाँ पर बताया गया ना कि तीनों मेथड में तुम क्या लगाओगे, देखो यहाँ पर संख्या छोटी छोटी है, देखो 1, 2, 3 दिया हुआ है, यहाँ सबसे आसान यह है कि तुम्हारा एक्स आई रहेगा ए या फाइव, तुम डायरेक्ट क्या कर दो गुणा कर दो, ठीक है। अब गुणा कर दो, अब कोई भी मेथड लगा दे आंसर आएगा ही, अब गुणा कर दोगे लड़के, 1 × 1 = 1 ना, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5 इसको यहाँ कर दो, 5 × 7 = कितना हो जाएगा 35, 6 × 9 = कितना हो जाएगा 54, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 11 × 2 = 22, फिर हो जाएगा 13 × 3 = कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, यही ना होगा बोलो। अब यहाँ हो जाएगा तब क्या करोगे, तो यहाँ से जब हल करने जाओगे लगे तो यहाँ सिग्मा या फाई निकाल लो कितना हो जाएगा 20, जोड़ लीजिए 3, 4, 9, 15, 20 20 होगा ना, जोड़ लीजिए 15, 20 हो जाएगा। अच्छा यहाँ लड़के यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा बोलो, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 12,
सात पांच बारह हो जाए 105 बोल रहे हो 162 जोड़ने पर सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 162 सही जोड़े हो ना। तब यहाँ से निकाल दोगे लड़के समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान हो जाएगा सिग्मा एफ आई लड़के और मान लगे तो 162 बटा में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा एक होगा तो कितने दिन कट जाएगा भाग कर दो ये हो जाएगा 8.1 यही आपको क्या हो गया आंसर मिला लीजिए दिया है ना मैच करिए करिए उतारिए कटते उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं देखो लड़के अब इसका हम लोग मध्यमान निकालेंगे ना बोलो ये हो जाएगा तुम्हारा 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 20 बटा में कितना हो जाएगा 2 तो इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 1000 और बटा में 2 तो कितना हो जाएगा भाग करने पर 510 हो जाएगा 500 हो जाएगा 10 फिर ये हो जाएगा 520 प्लस हो जाएगा लगे 540 बटन हो जाएगा कितना 2 तब ये हो जाएगा 1060 तब तो ये हो जाएगा तुम्हारा 530 ये हो जाएगा आपका 530 और फिर आपका हो जाएगा ये 540 प्लस 560 बटन में लगे 2 बड़ा तो कितना 20 का अंतर हो रहा है ना 550 हो जाएगा होगा कि नहीं होगा 550 यही हो जाएगा तुम्हारा 560 प्लस 580 बटा में 2 हो जाएगा 814 570 और फिर 580 प्लस 600 लगे बटा में 2 कितना हो जाएगा 500 अब इसमें देखो ये काफी बड़ा गुणा करने जाओगे तो बहुत देर हो जाए तो आप यहाँ पर किसी को मान लीजिए तो हम इसी को मान लेते ये वाले लाइन को इस वाले लाइन को हम मान लेते हैं बराबर कितना 1 तो ये जो है मान लिए तो इसका मतलब तुम डी आई और निकालोगे और डी आई का मतलब हो जाएगा एक्स आई माइनस ए हो जाएगा बोलो ठीक है यहाँ तक इसको हल करने जाओगे लड़के तो 510 माइनस हो जाएगा कितना 550 बोलो फिर उसी तरह हो जाएगा पाँच ये वाला है ना कितना 510 माइनस 550 है 530 माइनस 550 है 550 माइनस 550 है 570 माइनस 550 है 590 माइनस 550 है अब इसको घटा दोगे तो माइनस का 40 माइनस का 20 ये हो गया 0 ये हो गया कितना 20 और ये हो जाएगा 40 हो गया ना यही से चाहोगे तो एक्स आई इंटू डी आई कर लो और नहीं तो फिर वो क्या बोलते हैं यू निकाल लो और छोटा हो जाएगा क्योंकि सब में कितना है 0 लिखा हुआ है और कितने का आंसर आ रहा है 20 का और 20 से भाग में कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा तो यू आई इक्वल टू हो जाएगा डी आई बटा में कितना हो जाएगा एच का मतलब कि माइनस 40 बटा में कितना हो गया 20 माइनस 20 बटा में 20 0 बटा में 20 20 बटा में 20 40 बटा में 20 कट गया तो कितना हो गया माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 और 0 जाएगा 2 अब बस गुणा करना है लड़के अब गुणा करना है किसका यू आई इंटू क्या लिख दोगे एफ आई श्रमिक की संख्या है यहाँ माइनस 2 गुण से 12 इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 24 ये हो जाएगा माइनस का ये गुणते 14 लड़के कितना जाएगा माइनस का 14 ये हो जाएगा 8 गुणते 0 इज इक्वल टू 0 1 गुणते 6 इज इक्वल टू 6 और 10 गुणते 2 इज इक्वल टू कितना
छोटा हो गया ना, तो जब छोटा हो गया इस पर लगाइए, योग तो कर लिए हो, यहाँ जाओगे सिग्मा एफ आई, बताओ कितना ये 50 हो जाएगा? हाँ, अरे भाई 26, हाँ 50 हो जाएगा, करेक्ट योग। और यहाँ जाएगा सिग्मा यू आई इंटू एफ आई, इसको बताओ कितना होगा जोड़ो, इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 38 हो जाएगा, अच्छा 8 होगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 26, घटा दोगे तो 12 हो जाएगा, वो भी किसी का माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 12। तो फार्मूला जब निकालोगे समांतर माध्य इक्वल टू, तो ए प्लस होता है सिग्मा तुम्हारा यू आई एफ आई अपान हो जाएगा सिग्मा एफ आई हो गया है, आई इक्वल टू 1 टू n है, आई इक्वल टू n टू n, आई इक्वल क्या लिख दोगे, h लिख दो। अब ए कितना है तो 550, ये माने हो, बोलो माइनस का 12 गुणते 20 और बटा में कितना माने हो 50, 1030 क्या हो जाएगा, तो कटने के बाद हो जाएगा 550, 12 दुना के 24 माइनस 24 बटा में कितना हो जाएगा 5, तो 550 हो जाएगा, और माइनस भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5×20.8 हो जाएगा 4.8, घटा दीजिए इसमें घटा देंगे तो 10.2 चला जाएगा, 2 यहाँ बच जाएगा 9, 5, 4 और 5, देखो तो दिया है ना 545, ठीक है ना, करो जल्दी करिए जल्दी। हाँ जी अच्छी, आगे यहाँ पर चलो, तीसरा नंबर सवाल, इस सवाल को इसी टाइप के सवालों को थोड़ा सा और ध्यान देना, दैनिक जीवन भत्ता दिया है, दैनिक जीवन भत्ता दे दिया है गुरुदेव जी, 11 से कितना लिखा है 13, 13 से 15, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, 23 से 25 है, अरे बस अब तो सिर्फ बर्ग अंतराल है ना, ये बीच में जगह छोड़ दो यहाँ, नहीं छोड़ोगे तो आपको चल जाएगा। आगे क्या लिखा है, बच्चों की संख्या, रुको, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बताइए, अरे भैया ट्रक का नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ 7, 6, 9, 13, 5, 4। अब यहाँ पूछ रहा है, ये आपका मान पूछ रहा है, ये आपका मान पूछ रहा लड़के, तो यहाँ मध्यमान तुम्हारा उद्देश्य पहले निकालने के लिए, मध्यमान ही तुम्हारा क्या होता है, एक्स आई, बच्चों की संख्या लिखा है, यही तुम्हारा है एफ आई, ये तो सबको पता है, इस टाइप का सवाल बताया हूँ फिर बताया जाएगा। मध्यमान निकालोगे तो 11+13 बटा में 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 12 हो गया ना, और ये हो जाएगा 13+15 बटा में 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा तुम्हारा 14, ये 15+ हो जाएगा 17 बटा में 2, 15, 17, 32, 16 से प्याज का गुण सूत्र होता है, 19 बटा में 2 कितना जाएगा 18, फिर 19+21 बटा में 2 20 से 20, फिर 21+23 बटा में 2 42, 42 का 22, 44 होगा भैया, मैं थोड़ा सा पूछ रहा था तुम लोगों से, 25 या 48 हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बड़ा तुम्हें दिख रहा है तो छोटा बना लो, बड़ा नहीं है तो
बड़ा ले तो चलो ठीक है, इतने से ही गुणा कर लो, हम भी बड़ा है तो भाई छोटा बना लिया जाएगा, ये तब एक साई गुण से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बारह गुण से सात निकल तो कितना हो जाएगा चौरासी, बासठ चौरासी ना, फिर चौदह गुण से छः, चौदह छब्बीस चौरासी ही होता है, सोलह गुण से नौ कितना हो जाएगा एक सौ चौवालीस, अठारह गुण से तेरह कितना हो जाएगा दो सौ चौतीस, फिर हो जाएगा बीस गुण से बीस, बाईस गुण से पाँच और चौबीस गुण से चार, तो अब इसका जब इतना करते लोगे तो तुम इसका क्या निकालोगे योग पर ना, योग निकालोगे, योग निकालोगे यहाँ से तुम्हारा सिग्मा एफ आई हो जाएगा, और एफ आई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, चौवालीस प्लस कितना हो जाएगा एफ, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, अब इसको हल करेंगे इसको सात सौ बावन प्लस बीस एफ हो जाएगा, यहाँ पे तो किसी को दिक्कत होना है भाई, ये वाला ही अब नहीं जुटेगा, बाकी आप सबको जोड़ लीजिए, अब इसमें समांतर माध्य दिया हुआ है, पहले फार्मूले में समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई हो जाएगा, ये हो जाएगा समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, समांतर माध्य इसका दिया हुआ है अठारह, माध्य खर्चा दिया है अठारह, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना है बेटे सात सौ, सात सौ बावन प्लस हो जाएगा बीस या बटा में कितना आ रहा है चौवालीस प्लस कितना हो जाएगा ये बड़ा ये है ना अठारह गुणते चौवालीस प्लस यफ हो जाएगा बराबर हो जाएगा सात सौ बावन प्लस हो जाएगा बीस यफ, इसका हो जाएगा अठारह गुणते चौवालीस प्लस हो जाएगा अठारह यफ, आई हो जाएगा तुम्हारा सात सौ बावन प्लस हो जाएगा बीस यफ, अब इसको गुणा कर दोगे तो टेबू पे बत्तीस हो जाएगा सात सौ बानवे लगा लियो क्या, बहुत बढ़िया गुड, सात सौ पच्चीस था नहीं यार सात सौ बावन यहाँ था ना, सात सौ बावन प्लस हो जाएगा बीस यफ, पछांतर करिए दोनों को लड़के अठारह यफ माइनस हो जाएगा बीस यफ, आई हो जाएगा सात सौ बावन माइनस सात सौ बानवे, अब इसको हल कर दोगे तो माइनस का टू एफ हो जाएगा, ये भी घटेगा तो माइनस में आएगा बड़ा आई होगी छोटा आए तो यहाँ से घटाओ बताओ कितना जाएगा चालीस, माइनस का तो माइनस माइनस कट जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा चालीस बटा में दो, देखिए तो यह बराबर बीस दिया है ठीक है, चलो ये थोड़ा दशमलव वाला है मध्यमान अब इसको कर दोगे तो ये हो जाएगा पैंसठ प्लस हो जाएगा अड़सठ बटा में हो जाएगा दो, तो आठ पाँच तेरह हो जाएगा छः छः बारह एक तेरह बटा में कितना हो जाएगा जी दो हो जाएगा ना, इसको भाग दोगे तो छः दुना के बारह छाछठ दशमलव पाँच आएगा क्या, चलो ठीक है ये हो जाएगा छाछठ दशमलव कितना हो जाएगा पाँच, केवल इसको कर लो अड़सठ प्लस हो जाएगा इकहत्तर बटा में दो, तो आठ एक नौ हो जाएगा और सात छः कितना आ जाएगा तेरह हो जाएगा, ये होगा और बटा हो जाएगा दो, तब तक ये हो जाएगा छः दो छः के बारह हो जाएगा एक दूसरा अठारह दस उनहत्तर दशमलव पाँच, ये हो जाएगा उनहत्तर दशमलव पाँच, ये हो जाएगा इकहत्तर प्लस चौहत्तर बटा में दो, कितने का अंतर हो रहा है इसमें तीन तीन का अंतर हो रहा है ना, तीन तीन का अंतर तीन का अंतर कर लो बहत्तर दशमलव पाँच, फिर हो जाएगा चौहत्तर प्लस सतहत्तर बटा में दो, इसमें तीन जोड़ दो हाँ इसमें पचहत्तर दशमलव पाँच, फिर इसमें सतहत्तर प्लस अस्सी बटा में दो, ये हो जाएगा इकहत्तर दशमलव पाँच, ये हो जाएगा तुम्हारा तिरासी प्लस सॉरी सॉरी अस्सी प्लस तिरासी बटा में दो, ये हो जाएगा इक्यासी दशमलव पाँच,
फिर हो जाएगा तुम्हारा 83 प्लस 86 बटा में 2 इक्वल टू 84.5 गुड हो गया ना इतना। अब तुम्हें ये बड़ा दिख रहा है, गुणा करोगे तो बड़ा हो जाएगा ना। चलो इसी को ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 इसी को ले लो, बराबर कितना हो गया ए। तो ए हो गया, तो यहाँ डी आई निकाल लो, डी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ से अगर दो के लड़के तो 66.5 माइनस कितना लिखा हूँ 75.5 फिर 79.5 माइनस 75.5 फिर तुम्हारा है 72.5 माइनस 75.5 फिर तुम्हारा है 75.5 माइनस 75.5 फिर तुम्हारा है यहाँ 78.5 माइनस कितना बचे 75.5 फिर तुम्हारा हो जाएगा 81.5 माइनस कितना लिखोगे 75.5 और फिर तुम्हारा है 84.5 माइनस 75.5 बोलो है कि नहीं है। यस सर। अब इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 66 में कितना जोड़ोगे 75 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 भाई, ये तो ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस करना होगा, माइनस का 6 माइनस का 3 0 और ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 ये होगा। कितने का अंतर हो रहा है इसमें, अंतर कितने का है, 3 का है ना, 3 का है तो 3 से भाग कर दो क्योंकि 3 से कट जाएगा। तो तुम यहाँ से निकाल दो क्या चीज, यू आई इज इक्वल टू डी आई बटा में एच, थोड़ा आसान हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 9 बटा में 3 माइनस 6 बटा में 3 माइनस 3 बटा में 3 0 बटा में 3 3 बटा में 3 6 बटा में 3 9 बटा में 3 कट गया तितली के 9 इतना के 6 1 0 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस का 3। तब यहाँ से तुम्हारा यू आई इंटू एफ आई हो जाएगा ना। तो महिलाओं की संख्या कहाँ है, यहाँ ये लिखोगे क्या चीज, 2 उम्रते माइनस का 3 माइनस का 6 इसे लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 उम्रते माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ ये हो जाएगा 3 गुणे से माइनस 1 माइनस का 3 फिर लड़के 8 गुणे से 0 बराबर 0 फिर ये हो जाएगा 7 गुणे से 1 बराबर 7 फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 4 गुणे से 2 बराबर 8 और फिर ये हो जाएगा 2 गुणे से 3 बराबर 6 यही ना होगा। यस सर। अब योग निकाल लो, योग निकाल दो, इसको जोड़ोगे सिग्मा ए बाय कितना हो जाएगा 30 जोड़ लेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे सिग्मा एफ आई यू बाय और इसको कर दोगे 8 6 14 माइनस का 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 7 15 6 21 ना जी। 21 में से घटा दोगे तो 4 प्लस हो जाएगा, 21 बड़ा है 4 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाले जा रहे समांतर मार्ग ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई आई टू हो जाएगा एच। अब इसका अच्छा फार्मूला का मान भेजा जाता है, ए बराबर कितना माने आप, माने हम 75.5 प्लस इसका मान है 4 और बटा में कितना हो गया 30 और गुणते हो गया है 3 है इन दाम में 75.5 भाग कर दोगे तो 0.4 जोड़ दोगे तो 75.9 हो जाएगा ना, यही आपका आंसर है ठीक है ना। कल आएगा कि आया है, कर लो जल्दी।